एक ओंकार सतगुर प्रसाद परम सत्कारयोग तन तन सतगुरु रविदास जी महाराज श्रीमति विराजमान श्री श्री 108 श्री स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज सतगुरु रविदास चरणों में बैठी समूह सत संगत जीओ आप सब नूं दास वलों जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। राग आसा बाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौर फिरते हैं। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौरे फिरते है रहा। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन अति पवित्र दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ सारी संगतां नूं दास वल्लों जय गुरदेव। महात्मा जी ने गुरु रविदास महाराज जी दी पवित्र बाणी दा शब्द लिया है, माटी को पुत्रा कैसे नचत है। गुरु जी ने इसे इंसान माटी दा पुत्रा क्या है। गुरु प्यारी सत्संगत जी है भी ये सच्चाई ही है। जीव आंदा है जिवें मिट्टी दा कड़ा, रहिंदा नहीं इन भी रहना नहीं है। तो दुनिया तो जीव आंदा चला जांदा है, ठीक इसी तरह स्वर्गीय श्री चमन लाल जी गाव नंगा रामगढ़ वाले उन्हां दा अज बरसी समागम है। उन्हां दी धर्म पत्नी श्रीमती सोमा देवी जी, उन्हां दे सपुत्र श्री जीत राज जी, कमांडर जोगराज जी, कलदीप राज जी, अज दा सत्संग उन्हां दी याद दे विच करवाया जा रहा। ते आज गुरु घर दे लंगरां दी सेवा भी उन्हां वल्लों दित्ती जा रही है। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु जी ने इंसान नूं मिट्टी दा पुत्रा कहा है। असीं कई वारी सोचदे हां मिट्टी दा पुत्रा किस तरह हो गया।
ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਖੂਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਖੂਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਪੀਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵੀ ਪੀਸੇ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਂ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਿੰਦ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਈ? ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ। ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੰਦ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥਰਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਹੋਰ ਲਾਤੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਨੀ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਸੁਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਨਾ ਇਹਨ ਦੌੜਨਾ, ਨਾ ਇਹਨ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਇਹਨ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਸੁਣਨਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਣਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੋਲਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੋ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਈਓ,
गुरु जी कहिंदे फेरे चोला दुलब चोला बन जांदा है, ये अनमोल बन जांदा है, ये सोने दा बन जांदा है, पर जदों चंगे गुणा नू अपना लेंदा है। गुरु प्यारी सत्संग जीओ, असी अपने जीवन दे विच चंगे गुणा नू अपना ने, इनू मिट्टी दा नहीं रहन देना, इनू दुलब बनाना है, सोने दा बनाना है। सोने दा उदों ही बनेगा जदों चंगे गुणा नू अपना लवेगा। असी परिवारां च रह रहे हाँ, समाज च रह रहे हाँ, समाज च रहिंदियां परिवार विच रहिंदियां वो कर्म करने ने जिस करके वाकया लोग कह दें कि वह बंदा की सोना है। एक ऐसे गुना नू अपने च लियाना, अपने परिवार दे विच लियाना, अपने समाज दे विच लियाना। गुरु प्यारी सत्संग जी, इट्टा पत्थरां दे नाल मकान बनदा है, लेकिन घर प्रेम ते प्यार नाल बनदा। ते जिहां दा प्यार हो जांदा ते परिवार बनदा। तो असी केवल मकान नहीं घर बनाने है, परिवार बनाना है, ऐसे गुण लियाने है। असी अपने जामे नू अपने शरीर नू मिट्टी दा नहीं रहन देना, इनू दुलब बनाना है। जो गुरु जी ने कहा है ऐसे कर्मा नू करना है जिदे करके दुलब चोला हो जावे। है कोई बहुत वड्डी कहानी नहीं हुंदी, ये बहुत वड्डी गल नहीं हुंदी, इस नू सोना बनान दे लई बस नेक कर्मा नू अपनाना। साई बुल्ले शाह जी बड़े परेशान ने, नैत शाह जी दे कोल चले गए। नैत शाह जी ने कहा बुल्लिया तू बड़ा परेशान जे है, की गल है? कह लगा मैं रब नू पाना चाहता हाँ। तो उन्होंने कहा बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। इसी तरह मनुख दा दुलब जन्म बनना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, बस असी चंगे गुणा नू अपनाना है। चंगे गुणा नू अपनाना है। मैनू याद है किसी ने अपने घर का गृह प्रवेश करवाना सी, उन्होंने बुलाया मैं चला गया। जम्मू की गल है, सारे घर दसे उन्होंने, ए मेरे बेटे लई है, ए मेरी बेटी का कमरा है, ऐ मेरा कमरा है, ऐ मेरी मम्मी ते डैडी दा कमरा। जेड़ा मम्मी डैडी दा कमरा सी सब तो वधिया अटैच बाथरूम उन्हां बजुर्गां लई सब तो वधिया बनाया। मैं पहली बारी देखिया, नहीं तां हर इंसान सोचदा है मैं वधिया जिहा कमरा अपने नूं पुत लई बनावां। आम ये हुंदा कि मेरी नूह आनी है, मेरा जड़ा ज्यादा वधिया कमरा है वह नूह पुत लई हुंदा है। लेकिन मैं पहला परिवार वेख्या जिथे सब तो वधिया सहूलत मां प्यो दे लई कमरे विच सन। मैं क्या ओहो इन्हां नूं कहिंदे ने पुत्तर, इन्हां नूं संतान कहिंदे ने। अज भी मैनू उन्हां दी याद रहिंदी। अज जिहड़े परिवार वल्लों सत्संग कराया जा रहा है, मूंह ते सिफत ते नहीं करनी चाहीदी, पर वह भी परिवार अपने माता पिता की सेवा दे विच वाकया सरवण बच्चिया वांग। असी दुलब जन्म बनाना,
असि चोले नू मिट्टी दा चोला नहीं रहन देना, इहदे च ऐसे गुण लियाने ने कि सोने दा ए गोल्ड दा जन्म साडा बन जाए, गोल्ड जन्म बन जाए, सुनहरी जन्म बन जाए, ए मिट्टी दा जन्म ना रह जाए, किते ओ गल ना हो जाए जो सतगुर कबीर जी ने कही सी कि हेठ पराले उपर सले जे हो जे आए ते हो जे चले, जिस तरह आए सा वैसे ही ना चले जाना। आओ इस जन्म दा कुछ लाहा खट लईए। सतगुरु जी अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन, जब कछु पावे तब करबो करत है, माया गई तब रोवन लगत है, जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मनुख ने दुनिया च जन्म लिया, जन्म लेके जवान होया, तो नाल ही इहदे च बाद च मैंने जन्म लै लिया। बहुत सारे असी हाँ जीव, साडे जन्म तो बाद थोड़े जे असी होश संभाली ते साडे च मैंने जन्म लै लिया। जदों साडे च मैंने जन्म लिया असी जवान हुंदे गे ते ओ मैं भी जवान हुंदी गई। जदों साडी मैं भी जवान हुंदी गई ओ मैं साडे नाल व्याही गई। जेड़ा साडा पिछा नहीं छड रहे ते ए मैंने कीता की जब कुछ पावे तब गर्भ करत है। ये जदों मैं विच आ गई ते मालक दी एदे ते कोई भी बख्शस होई, कोई भी कृपा होई, तो एदे च मैं आ गई। गर्भ करदा हंकार करदा मेरा इतना वड्डा परिवार है, मेरा इतना वड्डा घर है, मेरे कोल इतना पैसा है। गर्भ आ गए ते जदो ये मैं आ जांदी है ना ते इहदे च जिन्ने चंगे गुण ने खत्म हो जांदी हो जांदे, ते जिथे मैं आ जांदी उथे मालिक भी नहीं रहिंदा। सतगुरां ने बड़ा सुंदर कहा, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू है मैं ना ही, अनल अगम जैसे लहर में उदत, जल केवल जल माही। जिथे मैं आ जांदी है उथे ओ नहीं रहिंदा, जिथे ओ हुंदा उथे मैं नहीं हुंदी। कि मैं इतनी बुरी बला है, सतगुरु कबीर जी ने कहा ए मैं बुरी बला है, सको ना निकसे पाग, कहे कबीर कब लग रहे रुई लपेटी आग। ये जड़ी मैं है इतनी बुरी बला है, जिस तरह ढेर सारी रुई होवे ते उहदे विच थोड़ी जी अग्नि रख देवो ते ओ अंदरों अंदरी जल करके रुई नू राख बना दिंदी है। इसी तरह इंसान च जितने मर्जी चंगे गुण होन, जिहदे च मैं आ गई सारे चंगे गुणा नू खत्म कर दिंदी। दास ने कई वारी पहला दस्या है, जदों स्वामी जगत गिरी जी
ਪਲੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਪ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤਪ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੈਸਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਇਤਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੱਥਰ, ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਤਨੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਸੂਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਲੌਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੂਰਨ ਗਿਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਤਪ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੁਲਾਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਹਿਤ ਮੈਂ 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੁਲਾਏ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। 15-20 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਿਮਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਨਨਾਥ ਖੁਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਦਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੁਕੋ ਪਈ, ਅਜੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਆਨੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਸਵਾਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ।
उन्हां महापुरुषां विच्चों एक महापुरुष ने सवाल कर दिता होया कि स्वर्ग नूं कीड़ा अवगुण नहीं जान दिंदा। थोड़ा जवाब किसी ने नहीं दिता महाराज, उहदा जवाब ते महापुरुषां ने दिता है पर वह किसी की मनदा नहीं है। वो बड़ा ही ज्ञानी है, उहदे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है महाराज जी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤਗਿਰੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਸੂਟਾ ਪੱਕ ਹੈ ਖੂੰਡ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। उन्होंने पकड़िया ते चले पहुंचे उस संत मंडली दे विच, ते बड़े सहज सुभा दे नाल स्वामी जगत गिरी जी ने बेनती की थी कि ए संत जनों, तुहाडे विचों किसने सवाल किया कि स्वर्ग नूं ਕਿਹੜਾ ਬਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸੁਆਮੀ ਜਗਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ और उस को कोई भी हुन जवाब नहीं सी कि मैं केड़ी किस तरह इन्हां नूं जवाब देवां। सो ये जिहड़ी मैं है ये इंसान चो सारे चंगे गुणां नूं खत्म कर दिंदी। सानू जो भी मिलिया है उहदा कदे हंकार नहीं करना, सगो शुकराना करना। अज असीं सतगुरां नूं पूजदे हां, क्यों पूजदे हां? बस इसे करके पूछते हाँ कि एक मालक रूप हो के भी इन्हां च मैं नहीं आई, ये मैं तो बचे रहे। गुरु जी का शब्द तकरीबन हर खुशी दे प्रोग्राम विच पढ़िया जांदा है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जदो गुरु जी नूं एक हीरियां जड़त रथ ते बिठाया गया है, राजा अपने हत्था नाल चवर चला रहा है, पूरे बनारस दे लोक गुरु जी ते फुल्लां दी वरखा कर रहे ने, जितने उन्हां दे विरोधी लोक सन उन्हां दा जस गा रहे ने, ते सारा नजारा देख के गुरु जी ने यह नहीं कहा कि मैं इन्हां नूं चका दिता है। कहन लगे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे है मेरे मालका, ऐसी कृपा ऐसी बख्शस भला तेरे बिना साडे ते कौन कर सकदा है। गरीब निवाज गुसाइयां मेरा, तो गरीबां नूं निवाजने वाला। इसी तरह सतगुर कबीर जी दा जदों प्रभु ने कार्ज रास कीता, लोक सतगुर कबीर जी दा जस गान लगे, तो सतगुर कबीर जी ने कहा मेरा जस ना गाओ, क्यों? ना कुछ करूं ना कर सकूं, ना कुछ करे शरीर करने वाला और है लोक कहत कबीर कबीर। मैं कुछ कीता नहीं ना कर रहा हां, करन वाला कोई होर है, एवें लोक कबीर कबीर करी जा रहे ने।
गुरु नानक देव जी दा लोक जस गान लगे तो उन्होंने भी कहता तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा। ए मालका ए सारियां तुहाडियां कृपा ने मेरा ते कोई नाम नहीं सी जानदा तुहाडियां बख्शसां ने फरीजी तुरे जा रहे ने किसी ने फरीजी नू सजदा कर दिता। फरीजी पुछन लगे तू मैनू सजदा क्यों कीता है? तू बोले कि तुसी खुदा दी इबादत करन वाले हो। तू फरीद ने कहा फरीदा काले मेंढे कपड़िया है काला मेंढा वेस गुन ही भरिया मैं फिरा ते लोक कहन दरवेश मैं ते गुनाहां दा भरिया पिया। लोक एवें मैनू दरवेश कही जा रहे ने इसे करके वो रब रूप बने क्योंकि उन्हां च मैं नहीं आई। तो असी भी मैं नहीं लिया नी कोई भी गुण आ जाए कदे मैं नहीं लिया नी। ऐनी कहना मैं बड़ा वड्डा सेवादार हाँ मैं बहुत सुंदर गा सकना मैं बड़ा ज्ञानी हाँ हम बड़ कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाता एबुद कबहे नानासी हम बड कब मैं बड़ा वड्डा कवि हाँ मैं बहुत सुंदर हाँ मैं बड़ा ज्ञानी हाँ मैं बड़ा विद्वान हाँ मैं बड़ा दाता हाँ मैं बड़ा सूरमा हाँ। नहीं ऐ सारियां बख्शसां मालक दियां अहम ना लिया इंसान क्योंकि अहम करके तू मालक तो दूर हो जाएगा। जब कुछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोवन लगत है। ये मैंने दोनों पास ही मार पाई कुछ मिल गया तो हंकार आ गया चला गया तो रोना शुरू कर देत। मैं लुटे आ गया मैं मारे आ गया मेरा कुछ नहीं रहा जदों में कुछ चला जाए। पर जिन्हां च मैं नहीं हुंदी वो कदे नहीं डोल दे जीव। कुछ चला भी जाए तो फिर कहिंदे ने मालका जिस भी हालत च तू रख रहा ठीक है। किसी दा दस हजार दस लाख चाहे करोड़ रुपया डूब गया वो कहिंदा मालका शुक्र है कृपा तेरी पैसे डूब गए मैं नहीं डुबिया मैनू बचाया। वो कदे भी कोई चले जाए चीज तो दुखी नहीं हुंदी रू उहदे विच बस ए गुण रह जांदा है जिहड़ा असीं आम ही भजन च बोलदे जिहदे च मैं नहीं हुंदी। वो रूह फिर कहिंदी है चंगीआं जां मैं मंदीआं मैं ते तेरे ही रंग विच रंगीआं हुण दुख दे पावे सुख दे मैनू दोने ही गल्लां हुण चंगीआं। सो गुरु प्यारी सत्संग जी असी कदे भी मैं नहीं लिया नहीं पासा जी फिर अपनी बाणी च अगे फरमाउंदे हन मन वच कर्म रस कसे लोवाना बिन सगया जाए कहूं समाना मन वच कर्म रस कसे लोवाना
बिन सो गया जाए कहूं समाना। सतगुरु जी कहिंदे ने ये जेड़ा जीव है मन करके बचना करके दुनिया दे रसा कसा करके दुनिया दे बंधना च बज्जा पिया बिनस गया काहू समाना। ए जीव ये दुनिया तो जदों तू जाएगा तू किथे समाएगा जा करके। अज तक ये जीव नू समझ नहीं लगी। वैज्ञानिक बड़ी तरक्की कर गया, वैज्ञानिक बहुत दूर तक पहुंच गया, पर ऐ समझ नहीं लगी कि इंसान चोला त्यागन तो बाद किथे जांदा है। एक इहो जी जगह इहदे वास्ते बनी हुई, पर सतगुरां ने दस दिता कि ये चोला त्यागन तो बाद किथे जावेगा। गुरु जी कहिंदे जी जनत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, कि ये जीव जेहो जे कर्म करदा है ओहो जिहा इहनूं जामा मिल जांदा है। जहां आसा तहां वासा, जैसी इहदी आस हुंदी है जिस तरह की इहदी सोच हुंदी है ओहो जिहा इहनूं जामा मिल जांदा है। प्रभु अपनी मर्जी नाल इहनूं कोई जामा नहीं दिंदा, इहदी सोच दे मुताबिक ही इहनूं चोला दिंदा है। बड़ा सुंदर लिखे है तरलोचन जी ने, सतगुर तरलोचन जी कहिंदे ने अनंत काल जो लसमे सिमरै ऐसी चिंता मह जो मरै सर्प जोन बल बल उतरै अरे भाई गोविंद नाम मत बिसरै। अनंत काल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जो मरै प्रेत जोन बल बल उतरै अनंत काल जो लड़कै सिमरै ऐसी चिंता मह जो मरै सोकर जोन बल बल उतरै अनंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मेह जो मरै वेसवा जोन बल बल औतरै अनंत काल जो नारायण सिमरै ऐसी चिंता मेह जो मरै बदल त्रिलोचन ते नर मुक्ता पितंबर वा कै हृदय वसै। अनंत काल जो लसमे सिमरे जिहड़े लोग सारी उम्र पैसे दा सिमरन कर दे रहे, इन्हें कि पैसा कमाना नहीं, पैसे तो बिना तो कुछ भी नहीं है। अज दे जमाने च पैसे तो बिना इंसान दी जिंदगी अंधूरी अंधूरी रह जाएगी। खूब पैसा कमाओ, तुसी लखा नी करोड़ा पति बनो, पर पैसा तुहाडे वरतन लई है। देखना किते पैसा तुहानू ना वरत, पैसा वरतन लई है, जरूरतां पूरियां कर लई है, पैसा पूजा लई नहीं है। पैसा पूजा करन वास्ते नहीं है, सिमरन दे लई नहीं है। सिमरन लई मालक दा नाम है। अनंत काल जो लसमे सिमरै जेड़े लोग
पैसे दा ही सिमरन कर दे रे ते आखरी टाइम में पैसे नू याद कर दे रहे लोकां नू व्याजू दित्ता होया है कुछ बच्चियां कोलों भी पढ़दा रख्या होया है। उधरों आखरी टाइम आया जबान नू पकड़ लिया जम्मा ने बोलिया नहीं जानता लिखना पढ़ना उंदा नहीं है बच्चियां नू बुलाया ई सारे दे नाल दस दे बेटा मैं उदे कोलों 5 लाख रुपया लैना है उदे कोलों 10 लाख रुपया लैना है उन्नू 5% दे हिसाब दे नाल व्याजू दित्ता है उन्नू 3% दे हिसाब दे नाल व्याजू दित्ता है तो बच्चे कहिंदे पापा सी सानू नहीं पता लग रहा तुसी की कह रहे हो तो उहदे मन च आया ओह पैसा मेरे बच्चियां नू नहीं मिलेगा पैसे दी याद विच मौत हो गई पैसे नू याद करदा करदा खत्म हो गया ते मालिक ने की कीता सप दी जून दे दित्ती। तुसी कई बारी फिल्मां च देखिया होएगा ते पुराने कई लोग गल भी करदे ने कि उना दे कार पैसा सी बड़ा दब्या होया ते उत्थे आके सप बैठ गए। तो इसे तरह फिल्मा च कई जगह वो पैसे दे विच सप हुंदा है पैसे नू पकड़दा तो सप डस जांदा। जेड़े लोग सारी उम्र पैसे दा ही सिमरन कर दे रहे ते लास्ट भी पैसा ही याद रहा उन्हां नू सप दी जून देती प्रभु ने जा जितना मर्जी पैसा सांभ लै जाकर अंतकाल जो मंदिर सिमरे बड़े बड़े सोने मकान बनाए आखरी टाइम आ गया तेदा कहना फर्ज सी मालका ये बच्चियां ले सुख हंडाने होन पर ये कहिंदा ओ मालका 4 साल मैनू किते होर वस के देख लैन दिंदा बस मकाना दी जाच मौत हो गई प्रभु ने की कीता इनू प्रेत दी जून दे दित्ती वो फिर प्राणियां खंडरां दे विच प्रेतां पूत रहिंदे हन। अंतकाल जो लड़कै सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे सूकर जून बल बल आखर दे टाइम बच्चियां दा सिमरन करदा 4-5 बच्चे सन कोल कोई नहीं चाहे वैसे कृपा नहीं हुई तो सोचदा मेरा बेटा कोई नहीं है बच्चियां नू याद करदा करदा खत्म होया मालक नू नहीं याद करदा बच्चियां नू याद करदा तो मालक ने की कीता इन्नू सूर दा जामा दे दिता सूर दे नाल काफी बच्चे नाल नाल चलते रहिंदे। अंतकाल नारायण सिमरे अगर किते मालक दी कृपा हो जावे ये सत्संग चांदा जांदा सी मालक नू याद करदा दोनों टाइम आखरी भी मालक याद आ गया अंतकाल जो नारायण सिमरे मालक याद आया तो मालक नू याद करदा करदा मालक रूप ही बन गया। रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई सदो नी मैनू तीदो रांझा मैनू हीर ना आखियो कोई ते आखरी टाइम मालक याद ताई आएगा जे पहला भी याद करांगा। तो जिंदगी दे थोड़े पल कढ़ के मालक नू याद जरूर करया कर ताके आखर दे टाइम ते भी ओ याद हो जावे। कईयां ने सारी उम्र ते मालक नू याद नहीं कीता हुंदा जदो आखरी टाइम हुंदा तो जे करो सिख संप्रदाय नाल संबंध रखदा ते लोकी कहणगे सुखमनी साहिब जी दा इनू पाठ सुनाओ
जेकर कोई हिंदू है तो कहनगे इनू कीता सुनाओ, कोई गुरमुख है तो कहनगे इनू शब्द कन्ना च सुनाओ। वधिया गल है, सुखमनी साहब जी का पाठ करना उदे लागे चंगी गल है, गीता का पाठ करना चंगी गल है, उदनू शब्द सुनाना चंगी गल है, पर चंगी ताई गल जे पहला भी उन किते याद कीता हो। जे पहला कदे याद नहीं कीता उदो जितना मर्जी उदे लागे असी सुखमनी साहब जी का पाठ कर दे रहीए, जितना मर्जी उदे लागे असी गीता दा पाठ कर दे रहीए, शब्द नू कहिंदे रहीए। जे उन पहला कदे याद नहीं कीता ते उदो भी याद उन्नू होण वाला नहीं है। इस करके असी मां थोड़ा टाइम कढ़ के मालक नू याद कर दे रहने, ते फिर असी मालक नू याद कर दे कर दे मालक रूप ही बन जावांगे। असी ना सप बनना है मरन तो बाद, ना प्रेत बनना है, ना वेसुआ बनना है, असी ना कोई होर जामे च जाना है, असी मालक नू याद कर दे हुए मालक रूप बनना। एक गुरु जी का उपदेश है। गुरु जी सब दिया आखरलियां पंक्तियां च फरमाउंदे हन, कहे रवदास बाजे जग पाए, बाजीगर सब है प्रीत बन आई, कहे रवदास बाजे जग पाए, बाजीगर सब है प्रीत बन आई। सारा शब्द कहन तो बाद सतगुरु जी कह रहे ने, कहे रविदास बाजी जग पाई। गुरु जी कहिंदे ने ए दुनिया दे जेड़े लोक ने, ए संसार दे जेड़े लोक ने, इन्हां नूं बाजियां पा गईयां, इन्हां ने बाजियां नाल प्यार पा लिया। बाजियां केड़ियां? दुनियावी पदार्थ। इन्हां ने दुनियावी पदार्थां दे नाल प्यार पा लिया, ते मैं किस नाल प्यार पाया? बाजीगर नाल, बाजियां दे देन वाले नाल। असी बाजियां नाल ही प्यार नहीं पाना, बाजीगर नाल प्यार पाना है। जिदा बाजीगर नाल प्यार हो गया, ये बाजियां उन्नू अपने आप ही सारियां मिल जानगियां। दास ने पहला में कई बारी दृष्टांत दिता है कि कोई राजा विदेश च चला गया थोड़े समय दे लई, लेकिन उदा टाइम उत्थे ज्यादा लग गया। जदों ज्यादा समा लग गया तो राजा सोचन लगा, रानियां परेशान होन गईयां, उन्हां नूं कुछ समस्या आंदी होवेगी, कोई उन्हां दा जरूरी समान मुक गया होवेगा, की करदियां होन गईयां। राजे ने चिट्ठियां लिखतियां सारियां रानियां नूं, अपने वजीर नूं कहा कि उन्हां नूं चिट्ठियां लिख, उन्हां नूं कुछ चाहिए ते मैं भेज देवां। चार सन जां पंज रानियां, पंजां नूं चिट्ठियां कढ़ दित्तियां गईयां कि मैनूं थोड़ा इत्थे समां लग जाना है, तुहानूं कुछ चाहिए ते मंगा लवो। रानियां ने जो चाहिदा सी लिख दिता, किसी ने लिखता कि मैनू इथों दे कपड़े बड़े वधिया ने, कपड़े भेजने, वस्त्र भेजने। किसी ने लिख दिता कि उत्थों दा जेड़ा मेकअप दा समान है
वो बहुत वधिया हुंदा है। वो रानी ने लिख दिता स्वामी जी मेरे लिए मेकअप दा समान भेजना। किसी ने कहा उत्थे गहने बड़े सोने बनते ने, उन्हें लिख दिता मेरे लिए गहने भेजते ने। किसी ने लिख दिता कि मेरे लिए इत्थे इलेक्ट्रॉनिक समान मनोरंजन वास्ते जो भी उन्होंने उस टाइम पर होएगा कि वह चाहिए वो भेज दो। तो सारिया ने चिट्ठिया लिखिया, एक उहदी निक्की राणी सी उन्हें भी चिट्ठी लिख दिती। चिट्ठिया वापस जवाब आ गया तो वजीर नूं कहन लगा दस कहिंदे आ राणी ने कपड़े मंगवाए ने, एन मेकअप दा समान, इन गहने, इसने म्यूजिक सैट मंगाया, तो जो जो भेज मंगाया भेज दे जल्दी उन्होंने। निक्की राणी कहिंदा इहदा नहीं पता लग रहा जी, बेचारी ने कुछ लिखिया ही नहीं, कुछ नहीं लिखिया, बस ऐ वेखो जी लिखिया तेरी, अगे लाल जी लकीर है ते सा पिछे है। कहिंदा मैं समझ गया। की समझ गए हो? कहिंदे इहदा कहन दा भाव है तेरी लालसा, भी तू चाहीदा मैनू। वो जिस तरह एक दिन एक गड्डी वाले ने बाई लिखे सन, अगे जी इंग्लिश वाला लिख दिता, जुत्ती लिखता सैन बनाता ते झाड़ के, बड़ा मैनू अजीब जिहा लगा। फिर उन समझाता कि भरा जी जुत्ती झाड़ के भी पे चढ़ो, है ना बाई जी, है ना। इस तरह उस राणी ने लिख दिता तेरी लाल लकीर खिंच के सा तेरी लाल सा। कहिंदा ठीक है। उन्होंने सारा समान भेजता। राजा जो वापस आया सीधा निक्की राणी दे कोल, राणियां उड़ीक दिया रहियां कि राजा आया नहीं, भैन तेरे पास है। दूजी ने कहा तेरे पास? कहिंदे नहीं, आ गए है, पता लग गया रे कित्थे। पता लगा निक्की राणी कोल, सारियां इकट्ठियां होके उत्थे चलिया गईयां। वो बड़ी खुश है, राजा आ गया तो राजे नाल सारिया चीजा आ गई ना, उहदे कोल पैसा भी आ गया, उहदे घर नौकर चाकर भी आ गए, सारे लोग राजा दे दुआले ही रहने सन ना। वो आ गई, कहन लगे तू ये पागल कोल बैठा होया, अही तेनू डीक दिया रही उ। कहन लगे तुसी जो मंगिया मैं तुहानू भेजता, इसने मैनू मंग लिया, मैं इहदे कोल आ गया। इस करके जेड़ा मालक नू मंग लैंदा है ते ए नहीं है कि उहदे कोल फिर होर कुछ नहीं हुंदा। जदों मालक आ गया ते मालक दे सारे खजाने भी आ जांदे है। इस करके मालक तो असी मालक नू मंगना है। गुरु जी कहिंदे ने कहे रविदास बाजी जग पाई, बाजी गर सो हम प्रीत बन आई। असी बाजी गर नाल प्यार पाना है। इस शब्द दे विच गुरु जी ने यह समझाया है कि है तू मिट्टी दा पुत्र है पर सोने दा बनना है। और दूसरे पैरे विच उन्होंने कहा कि ये इंसान तू मालक नू याद करके मालक रूप बनना है ते मालक तू मालक नू मंगना है। जदों तू मालक नू मंग लेगा तू मालक दे नाल सारियां चीजां अपने आप ही आ जाणगियां। एक कुदरती है, जिहदे पास मालक आ गया उहदे पास सारियां चीजां अपने आप ही आ जाणगियां। चंगे गुण अपने आप ही आ जाणगे, एक ऊर्जा ऐसी भर जाएगी कि चंगे गुण अपने आप ही खिंचे जाणगे। इस कारण गुरु प्यारी सतसंग जीओ, असीं वी मालक नूं याद करना ते मालक कोलों मालक नूं मंगना, यही गुरु जी का उपदेश। सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरदेव, जय गुरु रविदास। एक जरूरी बेनती है, जितने भी सुन रहे ने ऑनलाइन, मैं हुने विदेश च गया कि बहुत सारे लोग गुरु रविदास बाणी तो कहिंदे असी जानू नहीं सा,
तो हुण असीं गुरु जी दी बाणी नूं चंगी तरह समझ रहे हाँ। मेरी बेनती रहेगी कि जिहड़े भी लोग जगत गिरी टीवी नूं सबसक्राइब जिन्हां कीता होया वह बाकियां नूं भी जरूर प्रेरित करन तां कि गुरु जी दी सच्ची सच्ची बाणी हर तक पहुंच सके। एक दूजे नूं प्रेरित करना, आप जपे अवरा नाम जपावै सो साधु परम गत पावे, ये तुहाडा बहुत वड्डा दान होएगा। हर का नाम ते आए सुन ते सबना नूं कर दान। असी सतगुर रविदास महाराज जी का सच्चा सच्चा संदेश जन जन तक पहुँचाना है, इस करके आपने बेनती है कि आप जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हो, जितने भी यूट्यूब चो इस गुरु जी की बाणी नूं सुनदे हो, बाकियां नूं भी जगत गिरी टीवी लई सबसक्राइब जरूर करवाना है। सारियां संगतां नूं फिर तो जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। सगल पसारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो लेश ठेकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो, कस जपे है वो।
चमक रहा उपदेश लिया जिस गुरु से फिर दादम कर रहा रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल श्वास जाए पर पुन पुन लाओ वाक भगत जान वैराग के धरे अपना हाथ विनती करो हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा की जो दास पे करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहा चढ़े से उतरे पार जो शरदा कर सेम दे सतगुर पार उतार निहार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चेता चमार शिवालमीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संभुख ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बेठार निहास लो लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोहीरा शाड़ के करे आन की आस तेनर दो जिख जाहेंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को हन छोट बड़ो सब सब बस रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब सब बस रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय
सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।